नमस्कार, मैं अंबी वर्मा और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज नेशनल। तो चलिए आज की कुछ खास खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सेम पित्रोदा के विवादित बयान, पूर्व में लोग चीनी जैसे दिखते हैं, दक्षिण में अफ्रीकी जैसे दिखते हैं, पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, सेम पित्रोदा आप कितनी बार भारतीयों का अपमान करेंगे, इससे बड़ा नक्सलवादी बयान क्या हो सकता है, आप देश को जाति क्षेत्र के नाम पर कितना बांटोगे, देश इसे स्वीकार नहीं करेगा। कांग्रेस का घिनौना चेहरा अब सबके सामने है, हम इसकी निंदा करते हैं। सैम पित्रोदा ऑन यू, कितनी बार हिंदुस्तानियों का अपमान करोगे, कभी स्त्री धन, कभी पशुधन, कभी संपत्ति, इस पर कांग्रेस के नेताओं की, उनके मेंटर गाइड फिलोसफर की नजरें रहती हैं। कभी संपत्ति को आपकी संतान से लेने की बात और विचार ऐसे देने का काम करते हैं, तो दूसरी ओर अब हमारे भारत के पूर्व के जो निवासी हैं उनको चीन के साथ में कहते हैं, उनकी शक्लें चीन जैसी दिखती हैं, पश्चिम वालों की अरब जैसी दिखती हैं, उत्तर वालों की अंग्रेज की तरह दिखती है और दक्षिण वालों की अफ्रीकन की तरह दिखती है। इससे बड़ा जातिवादी बयान क्या हो सकता है, कितना बांटोगे जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे देश को, और ये देश अब स्वीकार नहीं करेगा। देश सबका साथ सबका विकास इसी मूल मंत्र के साथ आगे चलता है, लेकिन कांग्रेस का घिनौना चेहरा, पशुधन स्त्री धन छीनने वाला, आपकी संपत्ति छीनने वाला, और अब आपको जाति के नाम पर नीचा दिखाने वाला सामने आया है, जिसकी हम निंदा करते हैं।